close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And आज हम बात करने वाले हैं सुपर स्प्लेंडर के बारे में। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है सुपर स्प्लेंडर, और यहाँ पे DRL देखने को मिल जाता है, डुअल LED लाइट मिल जाती है हाइलो बीम के साथ, और ऊपर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये इस गाड़ी का लो बीम, ये है इसका हाई बीम, नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी जाती है, ये साइड का इंडिकेटर, और कुछ ऐसा दिखता है इसका मड गार्ड। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 8018 का अलॉय व्हील के साथ टायर मिल जाता है, स्टिकर मिल जाता है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है इस गाड़ी में, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिया जाता है। ड्रम ब्रेक के साथ ये सुपर स्प्लेंडर आती है। एक इसमें डिस्क ब्रेक वाला भी मॉडल आता है, लेकिन वो हम लोग के पास अभी नहीं है। पासिंग स्विच मिल जाती है, क्लच मिल जाता है जो कि काफ़ी लाइट है, और यहाँ पर अपर डिपर मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न मिल जाता है, सिंगल हॉर्न के साथ आती है बाइक, यहाँ से इंडिकेटर ब्लिंक होता है। और मीटर की बात करें तो ऐसा कुछ दिखता है मीटर, इसमें ऑडोमीटर ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों दिखाता है, और यहाँ पे फ्यूल गेज इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल की लाइट मिल जाती है, और यहाँ पर i3S की लाइट मिलती है, ये चेक इंजन लाइट हो गई, और इसके ऊपर हाई बीम की लाइट मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट मिलती है, पे साइड स्टैंड लाइट मिल जाती है जो कि स्टैंड नीचे होने पर जलेगी, और ये स्टैंड नीचे गिराने पे गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। किसी के कॉल आने पर इस पे नाम लिखकर भी आता है। सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाता है, ऊपर i3S का बटन मिलता है, और कुछ ऐसा दिखता है इसका मिरर जो ये कंपनी के साथ आता है। 12 लीटर का टैंक मिल जाता है इसका, सुपर स्प्लेंडर के बैजिंग के साथ आता है, नीचे XTEC की बैजिंग मिल जाती है। ये गाड़ी 65 तक माइलेज दे देती है। इंजन की बात करें तो इसमें 124.7 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 PS का 75,000 RPM पे, 10.6 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6,000 RPM पे, कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन। साइड से गाड़ी बहुत अच्छी दिखती है, यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाता है, डबल स्टैंड मिलता है, यहाँ पे फुट रेस्ट सारी गाड़ी के साथ, ऊपर ये मिल जाता है मफलर मिल जाता है इसका जो काफ़ी अच्छा लगता है, और इस साइड से इंजन कुछ ऐसा दिखता है, हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे प्रोग्राम्ड FI की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ ऐसा दिखता है इस साइड से बाइक। इस गाड़ी के डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिल जाती है 2042 mm की, विड्थ 740 mm का, हाइट 1102 mm की मिल जाती है, व्हील बेस की बात करें तो वो 1273 mm का मिल जाता है, क्लियरेंस 180 mm की मिल जाती है, 799 mm की सीट हाइट मिल जाती है। वेट इस गाड़ी का है 122 किलोग्राम का। जाओ ठीक, बाबूजी आशा कर रहे हैं आप पर नहीं खाए, नहीं खाए सबको कार अच्छा बना हुआ है, कार सब अच्छा बना हुआ है।
कैसी लगी आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का नया मॉडल, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।